वेलकम टू XPHY एजुकेशन। आज का टॉपिक है एमीटर। आज हम लोग वैद्युत एमीटर के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है आपका, एमीटर द्वारा वैद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता सीधे एम्पियर में नापते हैं। याद रखिएगा, एमीटर एक ऐसी युक्ति या डिवाइस है जिसकी सहायता से परिपथ में धारा का मान सीधे एम्पियर में हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। यदि परिपथ में बहने वाली धारा मिली एम्पियर में हो, यानी कि उसका मान कम हो, तो उसे मापने के लिए हम लोग मिली एमीटर का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार यदि परिपथ में बहने वाली धारा माइक्रो एम्पियर में हो, तो उसे मापने के लिए माइक्रो एमीटर का प्रयोग करेंगे। अगला पॉइंट है आपका, एमीटर को हमेशा परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। याद रखिएगा, जिस भी लोड में धारा का मान आपको ज्ञात करना है, उसके श्रेणी क्रम में आपको एमीटर को जोड़ना पड़ेगा। इसके समझने के लिए हमने एक सर्किट डायग्राम बना रखा है, जहां पर R1 और R2 दो प्रतिरोध हैं और जिसे V वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा गया है। मान लीजिए कि इससे I धारा प्रवाहित हो रही है। I1 धारा जो है वो R1 प्रतिरोध में जा रही है और I2 धारा जो है वो R2 प्रतिरोध में जा रही है। यदि R2 प्रतिरोध में बहने वाली धारा I2 का मान ज्ञात करना हो, तो हम लोग R2 के श्रेणी क्रम में जो है एमीटर को लगाएंगे। अगला पॉइंट, एमीटर का अपना प्रतिरोध कम से कम होता है। याद रखिएगा, एमीटर का प्रतिरोध जो है वो कम से कम होना चाहिए, और उसका कारण ये है कि ओम के नियम से R = हम लोग जानते हैं V/I, यानी कि अगर R का मान बदलेगा तो I का मान भी बदल जाएगा। तो अगर एमीटर का प्रतिरोध बढ़ेगा, उसका मान अधिक होगा, तो धारा का मान कम हो जाएगा, जिससे वो एमीटर प्रतिरोध में लोड में बहने वाली धारा का मान एग्जैक्ट सही नहीं माप पाएगा। इसलिए हम लोग इसका प्रतिरोध कम रखते हैं। तो यहाँ पर रिलेशन याद रखिएगा कि एमीटर का प्रतिरोध RA जो है वो ऑलवेज लेस देन जो होता है लोड रेजिस्टेंस के होता है। अगला पॉइंट है, एक आदर्श एमीटर यानी कि आइडियल एमीटर का जो प्रतिरोध है वो हमेशा कितना होता है, 0 होता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, एमीटर के कुंडली में प्रभावी प्रतिरोध को कम करने के लिए कुंडली के समांतर क्रम में संट जोड़ देते हैं। अभी हमने आपको बताया कि ऊपर वाले पॉइंट में कि एमीटर का प्रतिरोध जो है वो कम से कम होना चाहिए, और किसी भी एमीटर का प्रतिरोध कम से कम करने के लिए उसके समांतर क्रम में हमेशा हम लोग एक संट जोड़ेंगे, जो कि एक प्रकार का प्रतिरोध ही होता है। अब हम जानते हैं कि समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध जो होता है वो घट जाता है, इसीलिए इसे हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो उसको समझने के लिए हमने एक सर्किट डायग्राम बनाया है कि एक एमीटर है जिसका प्रतिरोध है RA। अब इसका प्रतिरोध हम लोग को कम करना है, क्योंकि एमीटर का प्रतिरोध कम ही होना चाहिए ताकि वो धारा का सही मान ज्ञात कर सके। तो उसके समांतर क्रम में आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर संट लगा रखा है, संट को जोड़ा हुआ है। अगला पॉइंट, एमीटर को AC यानी कि प्रत्यावर्ती धारा में प्रयोग करने पर वह परिपथ में धारा का वर्गमूल मान ही ज्ञात करता है। याद रखिएगा, किसी भी AC सर्किट में जिसमें प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो रही हो और एमीटर का प्रयोग करेंगे, तो वह एमीटर हमेशा रूट मीन स्क्वायर यानी कि वर्गमूल मान धारा का ज्ञात करेगा। इसके लिए एक एग्जांपल हमने लिख रखा है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में लगे एमीटर का पाठ्यांक 5 एम्पियर है। यानी कि किसी भी AC परिपथ में, AC सर्किट में अगर कोई एमीटर लगा हुआ है और जिसकी रीडिंग आ रही है 5 एम्पियर, तो इसका अर्थ ये होगा कि उस परिपथ में धारा का वर्ग माध्यमूल मान यानी कि IRMS की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 5 एम्पियर के बराबर होगी। अगला पॉइंट, एमीटर का संकेतक केवल लेफ्ट टू राइट घूमता है, जबकि धारा मापी का संकेतक जो है वो दोनों दिशाओं में घूम सकता है। इसका क्या अर्थ है, एमीटर में जो पॉइंटर होता है आपका, जो धारा की दिशा या उसका मान को पॉइंट करता है, डिनोट कर रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है, दर्शाता है, तो वो हमेशा जो है लेफ्ट टू राइट घूमेगा, और जिसमें जो खाने डिवाइड होंगे वो 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से होंगे लेफ्ट टू राइट की ओर।
लेकिन जो धारा मापी होता है उसमें पॉइंटर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और इसमें जो डिवीज़न होता है वो लेफ्ट साइड भी होता है और राइट साइड भी होता है, दोनों साइड भी होता है। अगला पॉइंट, किसी भी धारा मापी को एमीटर में बदलना, कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इंटू एमीटर। किसी भी धारा मापी को एमीटर में बदलने के लिए हम लोग उसके समांतर क्रम में एक प्रतिरोध लगाते हैं जिसे हम लोग संट कहते हैं। अब धारा मापी के बारे में हम लोग जानते हैं कि धारा मापी दो तरीके का होता है, एक होता है निलंबित चल कुंडल धारा मापी और दूसरा होता है किलकित अथवा वेस्टर्न चल कुंडल धारा मापी। तो याद रखिएगा, हम लोग धारा मापी को जब एमीटर में बदलना चाहते हैं तो उसके लिए हमेशा हम लोग किलकित अथवा वेस्टर्न चल कुंडल धारा मापी का ही प्रयोग करते हैं। तो धारा मापी को एमीटर में बदलने के लिए किलकित चल कुंडल धारा मापी को के समांतर क्रम में हम लोग एक प्रतिरोध लगाते हैं जिसे संट बोलते हैं। तो याद रखिएगा, धारा मापी को एमीटर में बदलने के लिए उसके समांतर क्रम में हम लोग एक प्रतिरोध लगा देंगे तो वह एमीटर में बदल जाएगा। आइए इसको समझने के लिए हमने एक सर्किट डायग्राम बनाया, उसको देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गैल्वानोमीटर आपका दिया हुआ धारा मापी, अब इसको हम लोग एमीटर बदलना चाहते हैं तो उसके समांतर में आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक संट लगा रखा है। तो ये जो पूरा डिवाइस होगा ये आपका जो है वो एमीटर कहलाएगा। अब इसमें हमने क्या किया है, मान लिया कि इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, मान लिया कि इस परिपथ में आई धारा जो है आपकी, मान लिया कि इस परिपथ में जो है वो आई धारा आपकी जो है प्रवाहित हो रही है। गैल्वानोमीटर में जो करंट बह रही है वो आई जी है और संट में जो करंट बह रही है वो आपकी आई माइनस आई जी है। अब हमने यहाँ पर केवीएल अप्लाई किया है, लूप बनाकर एक केवीएल लगाया गया है। केवीएल लगाने के बाद जो है हमें एस की वैल्यू मिल रही है, संट प्रतिरोध की वैल्यू मिल रही है, एस बराबर आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी, जहाँ पर एस जो है वो संट रेजिस्टेंस है जिसका मात्रक होता है ओम, आई जी आपका जो है वो गैल्वानोमीटर में धारा है और आई माइनस आई जी वो संट प्रतिरोध में धारा है, जी आपका जो है वो आपका धारा मापी का प्रतिरोध है जिसे हम लोग पोस्ट ऑफिस बॉक्स से ज्ञात करते हैं। पोस्ट ऑफिस बॉक्स एक ऐसा डिवाइस है जो व्हीट स्टोन सेतु पर आधारित है। याद रखिएगा, धारा मापी का जो प्रतिरोध है उसे ज्ञात करने के लिए हम लोग पोस्ट ऑफिस बॉक्स का प्रयोग करते हैं और पोस्ट ऑफिस बॉक्स जो है वो व्हीट स्टोन सेतु पर ही कार्य करता है। अगला पॉइंट है आपका रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। एमीटर का अगर हमें प्रतिरोध निकालना है तो क्या करेंगे, आपने देखा था कि एमीटर को क्या करते हैं, गैल्वानोमीटर के समांतर क्रम में हम लोग एक संट लगाते हैं जिसके बाद आपको जो है एमीटर प्राप्त होता है। तो ये पूरी डिवाइस आपकी एमीटर है। मान लिया कि गैल्वानोमीटर का जो प्रतिरोध है वो जी है, संट का प्रतिरोध जो है वो एस है, तो पूरे एमीटर का प्रतिरोध क्या होगा, ये दोनों आपस में समांतर क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो 1/G + 1/S। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एमीटर का जो प्रतिरोध आएगा वो आएगा G·S/G+S। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पे। किसी परिपथ में कुल धारा की 5% धारा धारा मापी की में प्रवाहित की जाती है, यदि धारा मापी का प्रतिरोध जी हो तो संट का प्रतिरोध आपको बताना है। आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, आइए देखते हैं। तो कह रहा है कि धारा मापी में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो 5 एम्पियर है, तो मान लिया कि आई जी बराबर 5 है तो कुल करंट जो होगी आई वो आपकी कितनी हो जाएगी, 100। हम लोग संट प्रतिरोध का फॉर्मूला जानते हैं, एस बराबर आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। सिंपल आपको यहाँ पर सारी वैल्यू ये सब जो दी गई है रिप्लेस करना है, तो यहाँ से एस की वैल्यू आ जाएगी G/19। तो आप देख सकते हैं कि डी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा एक धारा मापी 2 एम्पियर की धारा से पूर्ण विक्षेप देता है, यानी कि जो धारा मापी है उसमें 2 एम्पियर की धारा है, तो आई जी बराबर आपका हो गया 2 एम्पियर। अगला है धारा मापी में प्रतिरोध जो है वो 12 ओम है, यानी कि जी जो है वो वैल्यू आपको दी है 12 ओम। कह रहा धारा मापी का परास 5 एम्पियर, यानी कि मैक्सिमम करंट आई जो है वो 5 एम्पियर की हो सकती है, तो संट प्रतिरोध बताना है आपका और उसे किस तरीके से संयोजित करना है। तो हम लोग जानते हैं कि संट प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है
एस बराबर आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। सीधे आपको यहाँ से सारी ये वैल्यू रिप्लेस करनी है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एस की वैल्यू आई है 8 ओम, यानी कि संट प्रतिरोध जो होगा वो 8 ओम। अब बात आती श्रेणी में जोड़ेंगे कि समांतर में, तो ऊपर अभी हमने आपको थ्योरी में बताया था कि धारा मापी को अगर एमीटर में बदलना है तो संट को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संट आपका 8 ओम का प्रतिरोध होगा जो समांतर क्रम में जुड़ा होगा, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा, यदि धारा मापी का प्रतिरोध आर जी, एमीटर का प्रतिरोध आर ए और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध आर वी हो तो निम्न में से सही संबंध आपको बताना है। हमें पता है कि वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो होता है अनंत, तो आर वी की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी। उससे कम जो प्रतिरोध होता है वो होता है धारा मापी का, धारा मापी का, वो इसलिए क्योंकि धारा मापी के जब समांतर में हम लोग कोई प्रतिरोध जोड़ते हैं तब हमें एमीटर मिलता है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि क्या होगा, सबसे कम प्रतिरोध जो होगा वह एमीटर का होगा, उससे अधिक जो प्रतिरोध होगा वो धारा मापी का, और सबसे अधिक जो प्रतिरोध होगा वो वोल्ट मीटर का। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन, यदि धारा मापी तथा सेंट का प्रतिरोध क्रमशः 2 ओम तथा 1 ओम है, यानी कि धारा मापी का प्रतिरोध आपको जी की वैल्यू दी है 2 ओम, संट का प्रतिरोध आपको दिया है 1 ओम, तो कह रहा है एमीटर का प्रतिरोध बताना, यानी कि आर ए की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि एमीटर का जो प्रतिरोध होता है आर ए, उसकी वैल्यू होती है जी डॉट एस अपॉन जी प्लस एस। सिंपल ये सारी वैल्यू आपको यहाँ पर रखनी है, तो आप देख रहे हैं कि आर ए की वैल्यू यहाँ से आ गई 2/3 ओ, तो आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो गया है। थैंक यू।